तो अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार लगभग हर बार क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही आता है, तो अच्छे से समझिएगा। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहले तो क्वेश्चन उठता है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सोल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज नोन एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या लिखा हम लोगों ने, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सोल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सोल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन, विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, दे आर नोन एज व्हाट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। अब देखो, अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स है तो उसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स तो आते हैं सोल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सो ऑन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सोल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। समझ जाओगे, अब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है कितनी होती है, चार होती है, दीज आर फोर टाइप्स। जो पहली है वो कौन सी है, आर एल वी पी, शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, आर एल वी पी, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको हम लोग, आर एल वी पी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। दूसरा कौन सा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तीसरा कौन सा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, चौथा कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक एक करके इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करना है, डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले एक बात ही है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनका एप्लीकेशन क्या है, उनका फायदा क्या है, उनका क्या एप्लीकेशन है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जरूरत क्यों पड़ी हमको, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन ये है कि किसी अननोन सोल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द मोलर मास, मोलर मास ऑफ अननोन, अननोन सोल्यूट। और हमारा सोल्यूट, पहली बात तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सोल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए होती है, फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स ओनली। ये सिर्फ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए है, जो सोल्यूट वोलेटाइल नहीं है उनके लिए है। क्यों, क्योंकि जो सोल्यूट वोलेटाइल होते हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, राउंड स्लो यूज करते हैं। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट, कौन सा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अननोन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, ओके, अब मोस्टली क्वेश्चन भी इसी के ऊपर आता है, मोलर मास पूछा जाता है। तो हम एक काम करते हैं, एक एक करके इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिस्कस करते हैं, एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी डिस्कस करते हैं, और प्रीवियस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया है वो भी क्लियर करते हैं। क्लियर है, चलो इसको उतार लो, मिटा दो मैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कि भैया अगर एक सोलवेंट में, एक प्योर सोलवेंट में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया जाए तो उसका जो वेपर प्रेशर है लोअर हो जाता है, कम हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है,
कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है क्या, ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला कौन सा हमारा यहां पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, छोटे में क्या लिख सकते हो, आर एल वी पी। क्लियर है? अब देखो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक्चुअली होती किसके लिए है, ये होती किसके लिए, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, क्या है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी हमारा जो सॉल्यूट है, हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है और हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और जो सॉल्यूट है कौन सा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, किसके लिए है ये, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है, इट इज फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड राउट सॉल्यूट किसके लिए होता है, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए होता है, ठीक है। अब देखो हमको निकालना क्या है, हमको क्या निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मींस जब एक प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। ऐसा क्यों होता है, पहले रीजन ढूंढते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या डाल दिया, प्योर सॉल्वेंट डाल दिया, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो सॉल्वेंट है, लिक्विड है, तो क्या करेगा ये, इवेपोरेट होगा, ये क्या करेगा, इवेपोरेशन होगा इसके अंदर, ठीक है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, एस्केप होंगे, कहां से, इस कंटेनर में से। लेकिन जब आप इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो, जब आप इसके अंदर क्या ऐड कर देते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब क्या होगा कि भैया जो मोस्ट ऑफ द सरफेस है किसका, सॉल्वेंट का, वो कौन कवर कर लेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कवर कर लेंगे। उससे क्या होगा, इस सॉल्वेंट की जो एस्केपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी जो इवेपोरेशन होगा वो कम होगा, यानी जो सॉल्यूशन बना अगर उसका इवेपोरेशन कम हुआ तो वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वो वेपर प्रेशर कम लगाएंगे, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, कम होता है, कब, जब आपका सॉल्यूट क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो। मींस मैं बोल दूं कि वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का, वो लेस देन होता है किससे, वेपर प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का। अब सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को मैं लिख दूं क्या, पी नोट लिख दूं, क्या लिख दूं मैं, पी नोट। अब बात यह है अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो क्या पढ़ रहे हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो कितना वेपर प्रेशर लो हुआ, किसका, सॉल्वेंट का, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें तो भैया वो आया कितना, पी नोट माइनस में पीएस, क्या है आपके पास, वो पी नोट माइनस में पीएस। अब इस पी नोट माइनस पीएस को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये बोलेंगे। फिर आगे उसने क्या बोला है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिलेट करना है और हम लोग रिलेट किससे करते हैं, जो वैल्यू ज्यादा होती है, और यहां पर ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी है, पी नोट, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं कि पी नोट माइनस में पी एस अपॉन में पी नोट, तो ये क्या हो गया, हमने इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिलेट कर दिया किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये क्या आ गया आपके पास, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बात यह है हमको निकालना है कि ये जो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये किसके इक्वल होता है, हमको ये निकालना है। समझ आ गया कि हमारा टारगेट क्या है, पक्का? तो इसको लिख लीजिए एक बार, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, पी नोट माइनस में पी एस अपॉन में पी नोट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको एक बार साइड में लिख लेते हैं, क्या लिखे, क्या लिख देता हूं, हमको निकालना क्या है, P नोट माइनस में पी एस अपॉन में पी नोट, ये किसके इक्वल आता है, ये देखते हैं हम लोग, पक्का। अब देखो एक बात बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, राउंड स्लो पढ़ा था, और राउंड स्लो में हमने क्या पढ़ा था, देखो ध्यान से, राउंड स्लो में हमने पढ़ा था कि जो पी ए है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, काई ए, पी ए इज इक्वल टू, अब क्या लगेगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, वो क्या आ जाएगा, पी नोट ए इंटू में काई ए, होता है नंबर वन। सिमिलरली
सिमिलरली पीबी क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, अब बी को मैं यहां पे सॉल्वेंट मान लेता हूं और ए को मैं यहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान लेता हूं। तो पीबी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया काई बी। तो पीबी इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या पी नॉट बी इनटू में क्या आ गया काई बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर टू, ये था ना। और सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा टोटल पी एस वी टू, वो किसके इक्वल आता है पी ए प्लस में पीबी, पी ए प्लस में पीबी ये तो आता है। अब यह एक बात गौर करने वाली है, यहां पर क्या गौर करने वाली है, ये पी ए क्या है, इट इज द पी ए क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, और ये कंपोनेंट ए मैंने यहां पर क्या माना है सोल्यूट माना है, मैंने क्या माना है सोल्यूट। और आपका जो सोल्यूट है वो क्या है नॉन वोलेटाइल, जो वोलेटाइल होगा ही नहीं, जो इवेपोरेट होगा ही नहीं। अगर सोल्यूट वोलेटाइल है ही नहीं तो फिर उसका वेपर प्रेशर क्या होगा जीरो होगा। भाई अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है यानी वो इवेपोरेट हुआ ही नहीं तो उसके वेपर बने ही नहीं, और अगर वेपर बने ही नहीं तो उसका वेपर प्रेशर कितना है जीरो है। तो क्या लिखोगे फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए क्या होगा पी नॉट ए कितना हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, पी नॉट ए कितना हो जाएगा जीरो। तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था क्या पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी। ओके, तो पी एस किसके इक्वल हुआ, पी ए क्या है, पी है आपका पी नॉट ए इंटू में काई ए प्लस पी बी क्या है पी नॉट बी इंटू में काई बी, यह है क्या नहीं है। लेकिन आपका सोल्यूट क्या है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, किसको माना है ए को, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो इसका मतलब क्या है उसके वेपर बनेंगे नहीं, वो इवेपोरेट होगा ही नहीं, इवेपोरेट नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया जीरो, यानी पी नॉट ए कितना है जीरो। इसका मतलब जीरो इंटू काई ये भी कितना हो गया जीरो। तो आपका जो पी एस है, आपका जो पी एस है पी एस किसके इक्वल आ गया, वो आ गया क्या पी नॉट बी इंटू में काई बी, पी एस किसके इक्वल आ गया पी नॉट बी इंटू में काई बी। अब पी नॉट बी क्या है, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि क्या होगा कांस्टेंट होगा सॉल्वेंट के लिए। अगर ये कांस्टेंट है और ये इक्वल है तो क्या जाएगा पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। अब ये बी किसको रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को, तो मैं यहां पे एक बार सॉल्वेंट लिख दूं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो जो टोटल प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट। कहानी समझ गए, लेकिन बात यह है कि मेरे को ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट नहीं चाहिए, मेरे को ये एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो मैं क्या काम करूंगा, तो देखो क्या लिखा हमने पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू में काई बी। अब इसको थोड़ा आगे ले जाता है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूं पी एस इज इक्वल टू पी नॉट, क्या बी लगाना जरूरी है, ठीक है समझ गए। अब पी नॉट ए तो जीरो ही हो गया, अब बाकी जो पी नोट बचा वो किसका है, तो सोलवेंट का है, तो क्या मैं इस सोलवेंट के जो पी नोट बी लिख रहा हूं उसको डायरेक्ट लिख दू पी नोट, क्या लिख दू पी नोट इनटू में क्या है काई बी। अब बताओ काई बी की जगह मैं क्या लिख दू वन माइनस काई ए, क्यों काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू वन होता है, मोल फ्रैक्शन का सोल्यूशन कितना होता है वन होता है, तो काई बी कितना हो गया वन माइनस में क्या हो गया काई ए। सिंपल था ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो क्या करोगे, या तो इसको ओपन कर लो, ओपन करेंगे तो क्या आएगा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू में क्या आ जाएगा काई आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू काई। अब एक काम करो इस पी एस को तो ले जाओ इस साइड में, और ये जो माइनस का पी नॉट काई है इसको ले आओ इधर, ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्या पी एस को इधर ले जाए तो पी नॉट माइनस पी एस, तो क्या लिख दूं मैं यहां पे पी नॉट माइनस में पी एस इज इक्वल टू ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस का, तो क्या हो गया पी नॉट इंटू में काई ए, पी नॉट इंटू में काई ए। अब ये पी नॉट यहां मल्टीप्लाई में है तो यहां पे आके क्या होगा डिवाइड में होगा, क्या हो गया डिवाइड में, तो क्या जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू काई ए, ये आ गया आपके पास। अब बताओ कि जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ये क्या है, ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और वो किसके इक्वल आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो बताओ ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सोल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, आया कि नहीं आया। तो ये जो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट मीन्स आर एल वी पी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ गया, काई ए के इक्वल आ गया, समझ जाओगे कहानी, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। अब इसी को तोड़ मोड़ के घुमा फिरा के कुछ नई इक्वेशन बना दी जाएगी, तो क्या इक्वेशन बन सकती है वो भी कर ले। देखो एक तो ये हुई गया आपका, इसको क्या लिख दू मैं, नंबर थ्री लिख दू यहां पे, एक तो हुई गया, ओके। अब उसके बाद क्या काम करें, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। मैंने काई बी को क्या लिखा, वन माइनस काई ए, ये लिखा ना। एक काम करो, काई बी को काई बी पड़ा रहने दो, दूसरी फॉर्म लेते हैं। ये तो रिलेटिव लोडिंग वो वेपर प्रेशर हमारा हो गया जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल आ गया। अब हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि क्या क्या फॉर्म और हो सकती है। तो काई बी को काई बी रहने दो, तो आपके पास क्या आएगा, पी एस, दूसरा टाइप लिख देते हैं क्या, पी एस इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या है, पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी, और पी नोट बी को मैं एक बार पी नोट लिख रहा हूं, सॉल्वेंट का क्या है, वेपर प्रेशर है क्या, प्योर स्टेट इनटू में काई बी। अब काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और काई बी कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सिंपल ऐसे तो निकालेंगे। तो अब एक काम करो कि ये जो पी नोट यहां मल्टीप्लाई में यहां पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो पी एस बाय में पी नोट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस में एन बी, याद है। अब इस इक्वेशन को क्या कर दो, रेसिप्रोकलाइज कर दो, उल्टी कर दो इस इक्वेशन को, तो लेफ्ट हैंड साइड उल्टी होगी तो क्या होगा, पी नोट ऊपर लगेगी, पी नोट अपॉन में पी एस, तो फिर राइट हैंड साइड को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस में एन बी अपॉन में एन बी, सिंपल। ऐसा करने से अब क्या होगा, इसको ओपन कर लो, सेपरेट कर लो, क्या होगा, ये आपके पास आ गया पी नॉट अपॉन में पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी प्लस एन बी अपॉन में एन बी प्लस में एन बी अपॉन एन बी। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, एन बी अपॉन एन बी कितना हो गया, वन हो गया। अब ये वन प्लस का है तो इस साइड में आके क्या होगा, माइनस का होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, पी नॉट अपॉन पी एस माइनस वन इज इक्वल टू एन ए अपॉन में एन बी, याद है। अब एलसीएम क्या ले लोगे, पी एस, तो यहां पर क्या बनेगा, ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन में एन बी, इक्वेशन नंबर आगे कौन सी, नंबर फोर। तो एक ये इक्वेशन भी हो सकती है, P नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट, ठीक है। ये क्या था, P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किसके इक्वल था, वो काई ए के इक्वल था, इसको और आगे लिख सकते हैं, यानी P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू काई ए, कैसे निकालेंगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस में एन बी इसके इक्वल था, ठीक है। और P नोट माइनस पी एस यहां पे अपॉन P नोट है, यहां पे अपॉन में क्या किया, पी एस, वो किसके कुल आया, एन ए अपॉन एन बी। तो आपसे इन दोनों फॉर्म के अंदर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, और फिर हम देखते हैं कि हम वो क्वेश्चन कर पाते हैं इजिली या नहीं, ठीक है। तब तक एक बार इसको उतारो। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है, Which of the following is incorrect form of Raoult's law? तो आपको चार ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, ठीक है ना, ओके। तो देखो ध्यान से, हमको क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट, ओके। तो देखो सबसे पहले क्या बोला, पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू कैपिटल एन, अब इन्होंने कैपिटल एन जो लिया है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट लिया है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं सोलवेंट के, और स्मॉल एन किसको लिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को लिया है, समझ गए। तो पहला क्या बोला इन्होंने, पी एस बाय पी नोट इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन, तो क्या ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है, तो कहां से ढूंढे, पी एस बाय पी नोट, तो हमने पढ़ा था, देखो ध्यान से क्या पढ़ा हम लोगों ने, पी एस बाय पी नोट इज इक्वल टू क्या था, एन बी, एन बी क्या है, कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन में क्या है, एन ए प्लस एन बी यानी स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन, तो ये तो करेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या बोलता है, P नोट अपॉन P नोट माइनस में PS, क्या बोला, P नोट अपॉन P नोट माइनस में PS, तो एक चीज देखो, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, क्या था ये,
कि पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको उल्टा करते हमारे पास क्या आएगा, पी नोट अपॉन पी नोट माइनस में पी एस इज इक्वल टू, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा करना पड़ेगा, तो क्या आएगा एन ए प्लस में एन बी अपॉन में एन ए, क्लियर है। अब इसको अलग अलग कर लो तो क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए, एन ए अपॉन एन ए कितना आएगा वन, प्लस एन बी अपॉन एन ए, तो क्या लिखू वन प्लस एन बी अपॉन एन ए, और एन बी को मैं क्या लिख रहा हूं कैपिटल एन, और एन ए को क्या लिख रहा हूं स्मॉल एन, तो क्या यही नहीं है, देखो पी नोट अपॉन पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू वन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमको क्या फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट। ओके अब चलते हैं नंबर थ्री पे, नंबर थ्री क्या है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस, कहां किया था ये ना इक्वेशन नंबर फोर में, क्या है P नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू क्या है n स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन स्मॉल n प्लस में कैपिटल n, लेकिन ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है स्मॉल n अपॉन में कैपिटल n, तो यहां गलती हो गई, स्मॉल n अपॉन कैपिटल n होता है, यहां पे स्मॉल n प्लस नहीं आएगा, तो भैया ये आपका इनकरेक्ट है। चलो फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ क्या बोलता है पी एस अपॉन पी नोट माइनस पी एस, कहां से करें यही है, इसको उल्टा किया गया है लोगों ने, क्या उल्टा किया है P नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस है ना, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करते ही क्या आएगा, क्या आएगा हमारे पास पी एस अपॉन पी नोट माइनस में पी एस इसके इक्वल आएगा एन ए अपॉन एन बी, उसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो क्या आएगा हमारा एन बी अपॉन एन ए, एन बी को क्या लिख रहे हैं हम लोग कैपिटल एन, और एन ए को क्या लिख रहे हैं स्मॉल एन, तो बताओ पी एस अपॉन पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन है कि नहीं, ये भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ ऑप्शन थ्री, तो आप किस पे बबल करोगे ऑप्शन थ्री पे बबल करोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसके ऊपर, तभी आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर यानी पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट किसके इक्वल आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल आता है, इसलिए वो क्या हुआ आपका एक क्या हुआ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ। आया समझ में अच्छे से, कर पाओगे उतार लो, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा, और वो किसके इक्वल आया P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू क्या आया था हमारा काई ए, क्या आया था काई ए। अब इसको थोड़ा और आगे सोल्व कर सकते हैं क्या, एक चीज माइंड में फिट कर लो कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है दे आर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली, डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है Na is very 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 less than number of moles of solvent, ठीक है ये माइंड में फिट कर लो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब होती है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली, मींस वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स दे आर वेरी 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 लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। तो हमने आरएफबीपी क्या निकाला था, हमने निकाला था पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू काई ए, अब काई ए क्या आएगा, ये आएगा आपका एन ए अपॉन एन ए प्लस में एन बी, ठीक है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। अब एक बात बताओ, बात यह है कि फोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फोर डाइल्यूट यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा ही हुआ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एन ए इज वेरी वेरी लेस देन एन बी, तो एक काम करो तो नीचे वाला एन ए है इट कैन बी निग्लेक्टेड एट दैट स्टेज, तो नीचे का जो एन ए है वो निग्लेक्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि बहुत ही कम है एज कंपेयर टू एन बी, ठीक है तो हम इसको क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे क्या P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, हम लोग ये लिख देंगे तो ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्लियर है कोई इश्यू नहीं है। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं किसके ऊपर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, किसके ऊपर आगे चलते हैं हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मिटा दो इसको। चलिए तो ये तो हो गया आरएलबीपी, उसके बाद आगे चलते हैं किसके ऊपर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नंबर टू, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आई होप सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट एक बार बताओ, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर,
जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी 1 एटमोस्फियर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? चलो अब मान लो कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मान लो टी, क्या लिखूं मैं? एस टी टू। क्या लिख दूं? एस टी टू। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट को हम लिख सकते हैं टीबी, ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर। अब एस लगा दूं तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। ये क्या? इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। और जो टी, टी क्या लगाऊं मैं? टीबी लगा दूं। टीबी क्या लगा दूं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो भैया बात, एक बात बताओ कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन अ प्योर सॉल्वेंट तो क्या होगा? क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज। इसका मतलब क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से, टीबीएस में से, अगर टीबी सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दे तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा क्या? डेल्टा टीबी। इस डेल्टा टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होगा? जितना वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो डेल्टा टीबी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? डेल्पी। डेल्पी क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। जितना वेपर प्रेशर लोअर होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कहानी समझ गए? कोई इश्यू नहीं है। अब इसको हम लोग आगे सोल्व कर सकते हैं। कैसे? अभी हमने आरएलवीपी क्या निकाला? अरे वो आरएलवीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएलवीपी हमने क्या निकाला था? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू क्या था? किसके कुल आ गया हमारे पास? काइए। इस पी नोट को आप इधर ले जाओ तो क्या बन गया हमारे पास? डेल पी इज इक्वल टू काइए इनटू में पी नोट, ये बन गया। तो इसका मतलब जो डेल टीपी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है? काई ए इनटू में पी नॉट। तो क्या मैं लिख दूं? डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए इनटू में पी नॉट। ये लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं। काई ए क्या होगा? काई ए की जगह मैं क्या लिख दूं? एन ए अपॉन एन ए प्लस में एन बी इनटू में क्या हो गया? पी नॉट हो गया। तो आपका जो डेल टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? Na upon Na plus Nb into में P note। अब हमने क्या बोला था कि जो colligative properties होती है, these are for non-volatile solute and these are for dilute solution। अब क्या लिख दूं मैं? For dilute solutions के लिए क्या लिखूं मैं? Na is very 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 less than Nb, होगा कि नहीं होगा? तो नीचे वाला Na क्या हो सकता है? Neglect हो सकता है। तो हमारा डेल टीबी किसके इक्वल आ गया? नहीं, डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया? एनए अपॉन एनबी। नीचे वाला एनए मैंने क्या कर दिया? निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये एनबी के कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। तो क्या हो जाएगा? एनए अपॉन एनबी इनटू में क्या है? पी नोट। इनटू में क्या है? पी नोट। पी नोट क्या है? पी नोट क्या है? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? चलो अब देखो थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। अब ये एनए, एनए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, यानी गिवन वेट मैं स्मॉल डब्ल्यू लिख दूं, अपॉन में मोलर वेट स्मॉल एम लिख दूं। भाई सॉल्यूट है, उसका नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, तो उसका मैं गिवन वेट स्मॉल लेटर्स में लिख दूं, स्मॉल डब्ल्यू, और मोलर वेट क्या हो गया? स्मॉल एम हो गया। अपॉन में क्या है? एनबी। एनबी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वो कैसे निकालते हैं? उसका गिवन वेट बाय में मोलर वेट। और सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है तो उसका गिवन वेट डब्ल्यू में लिख दूं, कैपिटल डब्ल्यू। तो अपॉन में आ जाएगा ये क्या? कैपिटल डब्ल्यू अपॉन मोलर वेट कैपिटल एम, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? कैपिटल एम तो आ जाएगा ऊपर, और कैपिटल डब्ल्यू क्या आ जाएगा? नीचे, इनटू में क्या है? पी नोट।
तो डेल्टी बी क्या आ गया आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू. स्मॉल डब्ल्यू क्या है? गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ द सोलवेंट. एम क्या है? मोलर वेट ऑफ द सोल्यूट, और कैपिटल एम क्या है? मोलर वेट ऑफ द सोल्वेंट. ये कहानी समझ आ गई. अब एक बात बताओ यार, जब आप एक सॉल्यूशन ले रहे हो तो उसके अंदर सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का जो मोलर वेट है वो तो कांस्टेंट होगा ना. जैसे मान लो मैंने सॉल्वेंट वाटर लिया, तो वाटर का मोलर वेट कितना है? 18. वो तो कांस्टेंट रहेगा. तो भैया यहां पर आपका ये जो एम है वो क्या है? कांस्टेंट है. एम क्या है? कांस्टेंट. अब बताओ एम भी कांस्टेंट है और पी नॉट, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वाटर का वो भी क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है. ठीक है, तो इसका मतलब ये मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों के दोनों क्या है? कांस्टेंट है. तो इन दोनों को हटा दूं किसमें आ जाएगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा. तो हमारे पास क्या आ गया? डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू. क्या आ गया? इंटू कैपिटल डब्ल्यू. लेट ये जो कैपिटल डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ द सोलवेंट. ये क्या है? वेट ऑफ द सोलवेंट. लेट कैपिटल डब्ल्यू किसमें ले लें? इन किलोग्राम में ले लो. कैपिटल डब्ल्यू किसमें ले लो? किलोग्राम में. ये लो डब्ल्यू किसमें ले लें? किलोग्राम में. तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं वेट ऑफ द सोलवेंट को किलोग्राम में ले लूं तो भैया इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलैलिटी. मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सोलवेंट या मास ऑफ द सोलवेंट इन किलोग्राम. और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं? गिवन वेट बाय मोलर वेट, सही है, अपॉन मास ऑफ सोलवेंट यानी वेट ऑफ सोलवेंट इन अ किलोग्राम. तो आ गया ना डब्ल्यू, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोलैलिटी. तो भैया आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मोलैलिटी. किसके? मोलैलिटी. वेरी गुड. इसका मतलब है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है? मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है. अब प्रोपोर्शनल है तो हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो डेल टी बी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ गया के, और सबस्क्रिप्ट में क्या लगा दिया बी, और इनटू में क्या हो गया हमारे पास? इनटू में मोलैलिटी. अब ये जो के बी है यहां पर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. इसको बोलते हैं मोलर. मोलर बढ़ा है कहां से? मोलैलिटी से. फिर क्या हो रहा है? एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, तो इस के बी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. हियर वेयर KB is equal to क्या बोलेंगे इसको? मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट. या इसको एक चीज नाम और भी देते हैं क्या? इबुलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. इबुलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब ये जो KB का वैल्यू है अलग अलग सोलवेंट के लिए अलग अलग होता है. जैसे वाटर का है, वाटर के लिए जो KB का वैल्यू है वो कितना है? 0.52 कॉन्स्टेंट है, सेम. तो केबी यहां पर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. तो डेल्टी बी किसके इक्वल आ गया? केबी इनटू में मोलैलिटी. मैंने आपको बिगनिंग में बोला था कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इनका एप्लीकेशन क्या है? इनका एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड द मोलर वेट ऑफ एन अननोन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. तो कैसे फाइंड आउट करें? तो देखो ध्यान से, मान लो मैंने कोई 10 ग्राम कोई अननोन सोल्यूट लिया है. कौन सा सोल्यूट है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको वे तो कर सकता हूं ना. उसको वे मान लो मैंने 10 ग्राम लिया तो आपको W पता लग गया अननोन सॉल्यूट का. ठीक है, आपको उसका M निकालना है क्योंकि वो आपको पता नहीं हो तो अननोन है. फिर आपने उस 10 ग्राम सॉल्यूट को मान लो 1000 ग्राम वाटर में, वाटर का डेंसिटी 1 होता है, तो वाटर में 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml, वाटर का 1 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम की बात. तो आपने उस 10 ग्राम सॉल्यूट को अननोन सॉल्यूट को 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम वाटर में क्या कर दिया? डिजोल्व कर दिया. क्या कर दिया? डिजोल्व. तो आपके पास W भी आ गया. ठीक है, आपके पास ये भी है. फिर आपको क्या निकाला? M. तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले जो वाटर लिया आपने 1 किलोग्राम, एक टेम्परेचर फिक्स कर लो, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर उसका टेम्परेचर नोट कर लो. वो टेम्परेचर क्या? उसका बॉइलिंग पॉइंट. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है. कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद जब आप उसमें 10 ग्राम क्या करोगे? ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, फिर उसको बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लो सॉल्यूशन का. अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? थोड़ा सा ज्यादा आएगा. अब सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से वाटर के यानी सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दो तो क्या आ गया? डेल्टी बी. तो आपके पास डेल्टी बी है, आपके पास डेल्टी बी भी है. डब्ल्यू आपने 10 ग्राम लिया था,
ये डब्ल्यू आपने 1 किलोग्राम लिया था, पीछे क्या बचा स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या है मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। फिर किसके इक्वल आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, किसके इक्वल है केबी, और वाटर के लिए केबी का वैल्यू कितना होता है 0.52, तो इस केबी का वैल्यू पुट कर दो आपके पास क्या जाएगा एम आ जाएगा। कहानी समझ गए, तो डेल टी बी क्या है केबी इंटू में मोलैरिटी, इसको यहीं पे लिख देता हूं थोड़ा सा, डेल टी बी इज इक्वल टू क्या लगा दें केबी इंटू में स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू में कैपिटल डब्ल्यू, किसमें लिया है किलोग्राम। अब यहां पे आपको ये स्मॉल एम निकालना है, मोलर मास निकालना है किसका सोल्यूट का, तो इस स्मॉल एम को यहां ले जाओ, बाकी सारे टर्म्स को वहां ले जाओ, स्मॉल एम यहां पे डिवाइड में यहां पे आके मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा स्मॉल एम मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू ये टर्म यहां पे डिवाइड में चलेगी, तो क्या बचा ये बचा केबी अपॉन डेल टी बी इंटू इंटू क्या है वही सेम स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू इसमें किलोग्राम। ठीक है, केबी का वैल्यू अगर वाटर सोल्वेंट लिया तो फिक्स है 0.52, डेल टी बी हम लोग नोट कर लेंगे कितना डिफरेंस आया, ये आपने लिया ही है, मैंने बता दिया 10 ग्राम ले लिया, 5 ग्राम ले सकते हो, 20 ग्राम ले सकते हो, और ये 1 किलोग्राम ले लो, तो ये सारी चीजें पता है तो आपका क्या निकल जाएगा एम निकल जाएगा, मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट निकल जाएगा। तो ये टू फाइंड द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ये क्या है एप्लीकेशन है किसका किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो डेल टी बी किसके इक्वल आता है केबी इंटू में मोलैरिटी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के ऊपर क्या आता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो आपने देखा कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के, तो बताओ ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, हुई क्यों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सोल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सिंपल समझ आओगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छे से इसको उतार लो। अब एक दो साल पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया था कुछ इस टाइप का, देखो क्या आया था कि मान लो कि अगर हम लोग मोलैरिटी है उसको हाफ कर दें, इस टाइप का था मोलैरिटी को अगर हाफ कर दें तो केबी कितना हो जाएगा। अरे भैया केबी क्या है, केबी कांस्टेंट है, अगर मोलैरिटी को हाफ करो, 1/3 करो, 1/5 करो, 1/10 करो, डबल करो, ट्रिपल करो, 10 टाइम्स करो, 100 टाइम्स करो, केबी तो कांस्टेंट रहेगा ना भाई, तो केबी रिमेन्स अनचेंज्ड। चाहे आप मोलैरिटी का कुछ भी करो, हाफ करो, डबल करो, ट्रिपल करो, 1/3 करो, लेकिन केबी क्या रहेगा अनचेंज रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक नहीं 2017 में आया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपके क्वेश्चन ये गलत नहीं होने चाहिए, करोगे कोई इशू नहीं है, इसको उतार दीजिए। फिर आगे हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि कौन सी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, नंबर 3 कौन सी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिख रहा हूं यहां पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैं इसी के अंदर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसी से मिलती जुलती है तो ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक बात मान लो, पहले तो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सोलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर सोलिड और लिक्विड स्टेट एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सोलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस बिकम्स इक्वल। ठीक है, एक सबस्टेंस का जो वेपर प्रेशर है उसकी सोलिड स्टेट में और उसकी लिक्विड स्टेट में अगर वो इक्वल हो जाए जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को उस सब्सटेंस का क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे मान लो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर है वो एक सॉल्वेंट है, अब सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना लिया वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात करो कि वाटर में आप 5 या 10 ग्राम शुगर डालो, एक मान लो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया उसमें 5 या 10 ग्राम शुगर डालो, जो वाटर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता था, अब शुगर डालने के बाद, शुगर क्या है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, अब वो शुगर उसमें मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बना शुगर सोल्यूशन वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा, वो नेगेटिव डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा, -5, -6, -10 जो भी डिपेंड करेगा कि आपने वो सोल्यूट कितना ऐड किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो सोलवेंट होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है
कम होता है, कब, जब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए है, क्लियर है। तो मान लो लेट टी एफ, एफ का मतलब हो गया फ्रीजिंग, तो ये हो गया फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी फ्रीजिंग पॉइंट। लेट टी एफ एस इज द फ्रीजिंग पॉइंट एफ पी ऑफ सोल्यूशन, एंड टी एफ क्या हो गया, इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, सोलवेंट का। तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सोलवेंट का ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, हम लिखेंगे क्या कि टी एफ माइनस टी एफ एस इज इक्वल टू क्या रहेगा, डेल्टा टी एफ आ जाएगा। और डेल्टा टी एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यहां पर क्या, डिप्रेशन, क्योंकि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया तो क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। तो हम इसको डेल्टा टी एफ को क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये बात समझ आ गई। अब कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ वो डिपेंड करेगा कि कितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने ऐड किया है। मीन्स ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आएगा किसके, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। किस पे आएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। इसका मतलब जो डेल्टा टी एफ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या आ गया, डेल्टा पी आ गया। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेल्टा पी, एक जगह क्या लिखा था हमने, काई ए इंटू में पी नोट, यानी बाकी वो सेम, आपको सिर्फ डेल्टा टी पी की जगह डेल्टा टी एफ करना है, बाकी सेम है एज इट इज, ठीक है ना। ओके, तो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू में क्या हो गया, पी नोट। अब डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए एन ए इज वेरी 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 लेस देन एन बी, तो एन ए को निगलेक्ट कर दो, तो डेल्टा टी एफ है कहां है, ये रो डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, एन ए अपॉन एन बी इंटू में पी नोट, ठीक है। अब डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन एन ए क्या है, डब्ल्यू बाय एम गिवन वेट बाय मोलर वेट ऑफ द सोल्यूट, और एन बी क्या है, ये है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल इसलिए लिया है क्योंकि सोलवेंट है वो ज्यादा होता, ठीक है। तो ये क्या आ गया, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू में कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और इंटू में क्या है, पी नोट है। अब बताओ कि एक सोलवेंट का जो पी नोट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो तो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। जैसे वाटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, कॉन्स्टेंट है। और उस वाटर का यानी सोलवेंट का जो मोलर वेट है वो भी कॉन्स्टेंट रहता है। तो ये दो कॉन्स्टेंट है, इसको किसमें ले आओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ले जाओ। तो आपके पास क्या आ गया, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ द सोलवेंट, वो किलोग्राम में ले लो। वो किलोग्राम में ले लिया तो आपके पास ये डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आ गया, वो आ गया क्या। अब एक चीज देखो, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो यहां पर क्या लगाएंगे, कॉन्स्टेंट लगाएंगे, तो डायरेक्ट आ गया ना हम लोग, हाँ कॉन्स्टेंट लगाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, के एफ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में वो था के बी, उसको क्या बोलते थे, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। अब ये के एफ है, ठीक है, ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन आएगा, मोलैलिटी के, तो उसको बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। तो भैया यहां पर ये डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये टर्म क्या है, मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ किसके आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा, के एफ। अब यहां पर ये जो के एफ है वो क्या है, मोलल, अभी एलिवेशन नहीं होगा, क्या होगा, डिप्रेशन हुआ ना, तो मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, सिंपल। या फिर इसको एपुलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब बात यह है कि ये सारा काम जब हम लोग किस लिए कर रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, टू फाइंड द मोलर वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल अननोन सोल्यूट। तो फिर m को यहां रख लो, बाकी सारी टर्म ये यहां पर क्या हो जाएगा, के एफ, ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ, सिंपल, कोई इश्यू है नहीं, ठीक है, समझ गए। तो मैंने जानबूझ के उस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे समझा दिया क्योंकि उसी से मिलता जुलता है, तो दोबारा से लिखने का, फालतू के अंदर हेडेक लेने का कोई जरूरत नहीं है, समझ जाओगे। इसका मतलब है कि आपका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी, और मोलैलिटी में ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, समझ आओगे। अब वाटर के लिए ये के एफ का वैल्यू, ये के एफ का वैल्यू अलग अलग सोलवेंट के लिए अलग अलग होता है, तो वाटर के लिए के एफ का वैल्यू कॉन्स्टेंट है, कितना है, 1.86 वाटर के लिए, के एफ फॉर वाटर,
कितना है 1.86, और केबी फॉर वाटर कितना है, कितना है 0.52। ये दो वैल्यू अगर आपको याद हो जाती है द बेस्ट है, अदरवाइज एग्जाम में ऑप्शन में तो ये ऑप्शन क्या ब्रैकेट में तो आपको दिया ही जाएगा, लेकिन अगर याद हो जाती है तो आपके लिए बेस्ट है, करोगे कोई इशू नहीं है। तो ये है आपका कौन सा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ या मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल अननोन सोल्यूट के लिए, क्लियर है, अच्छे से उतार लो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके okay?